नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे छात्र नेता की बात उठाने वाला हूं जो ये कहता है दोस्तों कि देश की मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। दोस्तों, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, क्या है कि वो लड़का कह रहा था कि एक महीने के अंदर देश के लिए दौड़ने वाली और 5 मेडल जीतने वाली हिमा दास को मीडिया ने टीआरपी नहीं दी, मीडिया ने कवरेज नहीं दिया, लेकिन वहीं पर घर से भागी हुई एक लड़की का मीडिया ने इतना ज्यादा उसको वायरल कर दिया, इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया कि वो आज सेलिब्रिटी जैसी रिएक्ट करने लगी है और उसका सोशल मीडिया पर और मीडिया पर लोग सेलिब्रिटी जैसे उसको देख रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, उनका कहना ये है कि मीडिया दिखाना ही नहीं चाहती। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब चाह रहे हैं देखना इस वीडियो को तभी तो देख रहे हैं, और यदि आप ना चाहें इस वीडियो को तो हम कैसे देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को उतना ना देखें, ना पसंद करें, तो हमारा अगली बार हिम्मत ही कैसे पड़ेगी कि इस तरह के वीडियोस मैं बनाऊं। दोस्तों, आप ही हैं जो कि इस तरह की खबर को समझते हैं और पसंद करते हैं, इसलिए हमको मजबूरन इस तरह के वीडियोस बनाने पड़ते हैं, इस तरह की खबरें दिखानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप अगर इस तरह के वीडियो देखना बंद कर देंगे और उसके बाद हमारी हिम्मत पड़ेगी? जी दोस्तों, बिल्कुल नहीं, हमारा हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, वही हुआ है। दोस्तों, जब लोगों को हिमा दास की वीरता के बारे में बताया गया, उनके मेहनत के बारे में बताया गया, उन्होंने कितना परिश्रम किया है उसके बारे में जब बताया गया, तो यही देश के लोग जो कह रहे हैं कि मीडिया बिकाऊ है, वो लोग देख नहीं रहे थे दोस्तों। जिसके बाद क्या था कि टीआरपी इतना लो हो गया कि मीडिया वालों को ये सोचना पड़ा कि अब हो गया, बस किया जाए। और दोस्तों, जब मीडिया वालों की घाटा लगती है तो वो क्या करें। आप लोग जब उस तरह की न्यूज़ देखेंगे जो मसालेदार होगा, उस तरह की खबर नहीं देखेंगे जिससे देश को फायदा होगा, तो मीडिया पर्सन ही क्या करे। मीडिया पर्सन का तो काम ही है, मीडिया वालों का काम ही है दोस्तों कि आप तक कुछ ऐसे न्यूज़ प्रसारित किया जाए, कुछ ऐसे न्यूज़ दिखाया जाए जिसके बाद आप भी खुश और हम भी खुश। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे न्यूज आ जाते हैं जिसके बाद आप लोग उसको देखते हैं, न तो आप खुश न तो हम खुश। अगर दोस्तों आप ये समझिए कि न्यूज वालों को जब टीआरपी नहीं जाएगा तो उनके जो कर्मचारी हैं उनको पगार कहाँ से देगी चैनल, तो यही मेन माजरा है दोस्तों टीआरपी का। टीआरपी जब जाता है तभी जो कर्मचारी हैं मीडिया के उनको उन तक पैसा जाता है दोस्तों। और यही बात है, इसीलिए कोई भी चैनल अपना घाटा नहीं करना चाहता, जो दर्शक देखना चाहते हैं वही दिखाना चाहता है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप लोग ये सोचते हैं कि हमारे देश में मीडिया दिखाना ही नहीं चाहती उस तरह की खबर। दोस्तों, आप बिल्कुल गलत हैं। मीडिया दिखाना चाहती है, लेकिन आप ही हो कि देखना ही नहीं चाहते दोस्तों। अगर आप देखोगे तो मीडिया मजबूरन दिखाएगी आपको, ना चाहते हुए भी दिखाएगी दोस्तों, क्योंकि उसका टीआरपी जा रहा है और ऑडियंस रिटेंशन जा रहा है। देखिए दोस्तों, क्या है कि ऑडियंस रिटेंशन और टीआरपी बहुत मायने रखती है मीडिया वालों के लिए, चैनल वालों के लिए दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस न्यूज के बारे में, आप क्या कहेंगे, आपको किस तरह के खबर अब पसंद है दोस्तों, आप किस तरह की खबर पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के खबरों के लिए, आप इसी तरह की सच्चाइयों के लिए हमारे चैनल फ्रीडम न्यूज इंडिया के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी देते रहे हम। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपसे मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।